अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम आए हुए थे शादी पे, मेरे रिलेटिव्स में शादी थी इन लॉज में, तो मैं दुआ और ज़हरा सिर्फ आए थे। हम लोग आए थे डायमंड वाली साइड पे, आई थिंक मुगले आज़म इस तरह का कुछ नाम था। हाँ, मुगले आज़म था। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा हाल था, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। और ये एक साइड पर इन्होंने इस तरह वुड के सोफ़ा बनाए हुए थे, और एक साइड पे जो था वो स्टील्स की चेयर्स थी, और टेबल मिरर इस तरह से, ये नीचे फ्लोर में इस तरह से इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, इंटरेस्टिंग सा। और ये सारे हॉल की मैं दिखा रही थी, तो किस तरह से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, किस तरह से इसके दो साइड्स हैं। जो मेन एंट्रेंस है, आई थिंक पता नहीं मेन वाली कौन सी है, लेकिन हम लोग जिस तरफ से एंटर हुए थे उस तरफ से एक साइड से गोल्डन कलर का था इसका फ्रंट, और एक तरफ से इसका फ्रंट था ग्रे कलर में। तो हमारी साइड थी जो ग्रे वाली साइड में था बैक पे आके, तो ये सब लोग बारात जो थी बारात का वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे। दुआ और ज़ारा भागी हैं जल्दी जल्दी से जाके, फ्लावर वाले प्लेट्स ले आएंगे, हम लोगों ने भी फ्लावर फेंकने। तो फिर मैंने कहा चलो जाओ आप भी ले लो। और ये मैं गुजर रही थी जाते जाते, मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। इन्होंने मिक्स साइलेट था, रशियन साइलेट था, चना चाट थी, और इनके काफ़ी किस्म का था साइलेट वगैरह। और ये सारे दुआ ज़रा घूम रही थी, तो दुआ करती मामा मैं इस तरफ से चल के आऊँगी तो आप मेरे टिकटॉक बनाए, मैं इस तरफ से आऊँगी तो आप मेरे टिकटॉक बनाए। और ये नूर हराम को उसके पप्पो लेके जा रही थी बैठने के लिए। स्टार्ट में इन्होंने हमें दिए थे क्रैकर्स एंड सोप। सोप बहुत मज़े का था, मैंने तो थोड़ा सा ही पिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं, मैंने नहीं पिया तो बाद में हमें आ गया था। खाने में बिरयानी थी, बीफ था और नान थे, इस तरह से इनके काफ़ी आइटम्स थी बनाई, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था। और ये फिर बाद में बारात के जो ब्राइड है वो आ गई थी, तो उसने ये फोटोग्राफर्स वगैरह उनका शूट कर रहे थे। और मुझे इनका लहंगा बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा लगता, बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल लाइट वेट सी ज्वेलरी। ज्वेलरी उन्होंने सिर्फ गोल्ड की पहनी हुई थी, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं थी, और बहुत अच्छी लग रही थी। कुछ लोग बहुत हैवी ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं तो, लेकिन वो अच्छी नहीं लगती है। इनका लहंगा बहुत बहुत प्यारा था, लॉन्ग फ्रॉक थी और उसके नीचे इन्होंने ना वेलवेट का लहंगा बना हुआ था, बहुत प्यारा था। मेहरूनिश कलर में दुपट्टा था, मेहरून कलर में ही वेलवेट में लहंगा था, उसके ऊपर थोड़ी सी रेडिश कलर में ना लॉन्ग फ्रॉक थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत। और ज्वेलरी भी लाइट वेट सी, मेकअप भी बहुत प्यारा हुआ हुआ था। मुझे ब्राइड बहुत अच्छी लगी थी, बहुत प्यारी। तो पहले उनका एंट्रेंस हुई, उनके भाई लेके आए, फिर उनके मामा बाबा, और फिर उनकी सिस्टर्स थी, और स्टेज तक लेके आई उन्हें। और ये इधर मैंने कुछ इनकी पिक्चर्स वगैरह बनाई, कुछ इनकी वीडियो रिकॉर्ड की, और फिर बाद में हम लोग बैठ गए थे मैं फैमिली वगैरह के पास। तो उसके बाद जब फिर थोड़ा सा जब जैसे जैसे टाइम होता गया, तो हॉल की लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था, तो इस वजह से फिर बाद में फिर मैंने ऊबर करवाई, राइड ऊबर नहीं यंगो यंगो करवाई। तो उस पर फिर मैं यंगो करवाई, तो काफ़ी इनके तकरीबन डेढ़ घंटे का सफ़र था जो इनके ड्राइवर से अड्डा प्लॉट वाली साइड थी आई थिंक ना, इस तरह का कुछ था ड्राइवर, लेकिन एरिया ड्राइवर का था। उधर से आए हम लोग घर, फिर
और ये बड़े प्यारे से फायरवर्क्स हो रहे थे, तो स्मोक वगैरह बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा था। और उस साइड पे मैं पहले वीडियो बनाने लगी तो वो आगे फोटोग्राफर्स वगैरह थे, फिर मैं इस साइड पे आ गई, जब इस साइड पे आई तो इस साइड पे फोटोग्राफर्स वगैरह आ गए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।